दिल्ली की कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस मैंने भी बाहर अगर सिर्फ यही कह दिया मीटिंग से

प्रधानमंत्री जी का झूठ कहें संप्रदायिकता ये सब चीजें हमें लगा जो मंथन में और कहीं ना कहीं ईवीएम पर तो ये है कि ईवीएम पे ऊपर लोकतंत्र में सवाल है जब कांग्रेस पार्टी ही हार गई तब इस इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा कोई भी महिला यूं किसी अजनबी आदमी से जिसे कभी मिली नहीं जाकर लिपटती नहीं है वो राहुल गांधी के गले लगकर रोई है नरेंद्र मोदी की पब्लिक अप्रोच वो भले ही कुछ भी कह रहे हैं वो परिणाम बदल दे रही है राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा है सीटों में मत जाइए लेकिन अगर आप लोगों में देख रहे हैं तो 10 लाख अधिक लोगों ने मोदी भाजपा ने कांग्रेस को चुना है राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे 2024 भारत जोड़ो यात्रा के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर में जिसने एक देश को जोड़ा है वो आज एक ही नेता दिख रहा है जिसका नाम है श्री राहुल गांधी इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल पर अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाती हैं तो इंडिया अलायंस में उनको रखा भी हुआ है आपने यहाँ पर एक ने अपराध किया सूली उसी को होनी चाहिए कि पूरे परिवार को सूल चढ़ा देंगे सोशल मीडिया पर लीक हुआ था जो आपके और मैडम सोनिया गांधी के बीच में हुआ था रायपुर में किसने कहा मैं रिटायर हो रही हूँ आपने नहीं कहा जैसे नहीं मैंने कहीं नहीं कहा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच के इस नए एपिसोड में आज की हमारी मेहमान कांग्रेस की तेज तरार नेता हैं और कांग्रेस में तीन चार दौर जो हैं वो देख चुकी हैं तीस साल से कांग्रेस की जो डोर है वो उन्होंने थामी हुई है और तेज तरार नेता हैं कई बार अपने बयानों की वजह से थोड़ा सा विवादों में भी घिरी रहती हैं तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे अलका जी का थैंक यू सो मच मंच का अलका जी हम हमने आपको एज अ पोलिटिशियन देखा है और आप तीस साल से जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं लेकिन एक आम आदमी के रूप में लोग आपको जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी रही कहां पर आप पली बढ़ी तो वहां से हम शुरू करेंगे कैसा परिवेश रहा आपका देखिए शुरुआत करूंगी तो यादें हैं नाइनटीन की अंतरिक्ष पे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे नीचे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और मैं नौ साल की थी वो मंजर मुझे कभी नहीं भूलता बचपन की यादें थी तय कर चुकी थी या तो अंतरिक्ष में कदम रखूंगी एयरफोर्स एस्ट्रोनॉट बनना है और या फिर इंदिरा गांधी बनना है नौ साल की थी मालूम नहीं था ये दो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा राकेश शर्मा तो नहीं बन पाई लेकिन खुशी है कि एक रशियन एम्बेसी के कार्यक्रम में उनसे मेरी मुलाकात जरूर हो पाई मेरा वो सपना सच हुआ लेकिन इंदिरा जी को मैं कभी देख नहीं पाई लेकिन इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं था कितना त्याग और बलिदान देकर इंदिरा गांधी बना जाता है आ, लेकिन राजनीति में आऊंगी ये भी कभी तय नहीं किया था परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा और मैं राजनीति में आऊंगी ये भी नहीं था लेकिन अपनी लैब में खड़ी थी साइंस की स्टूडेंट रही केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया बी एड एम एड किया तो लग रहा था कि कुछ और ही लाइन लूंगी लेकिन वही था कि सोच ना नौ साल की उम्र में जो थी वो अट्ठारह की आते आते दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है और मुझे विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ने को कहा जाता है और मैं वो लड़ लेती हूँ और मैं जीत जाती हूँ तो 18 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष हो गई और दो साल में एन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा देश 22 साल की उम्र में मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय चुनाव लड़ रहे हैं लड़वा रहे हैं और ये सफर आज 30 साल तीन दशक लगभग पूरे कर रहा है और संघर्ष सफर अभी जारी जी लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइंड में फिर से जाऊंगी कहाँ पर आप पली बढ़ी ये अगर आप बता पाएंगे आपने क्या पढ़ाई जो है वो की लोग ये जानना चाहते हैं देखिए मैं भारत की राजधानी दिल्ली में ही पश्चिम दिल्ली में आ, पैदा हुई हम लोग छह बहने हैं पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविल इंजीनियर रहे माँ और छह बहने सात महिलाएं और एक पिताजी और बिल्कुल कहूंगी उस समय पिताजी की तनख्वाह पैंतीस सौ रुपया पाँच हजार से ज्यादा नहीं थी मैं अपनी बात जब कर रही हूँ सो so, उस समय आ, किस तरीके से एक आ, मध्यम वर्गीय से भी नीचे परिवार एक सरकारी तनख्वाह में परिवार कैसे गुजर बसर करता है और पिताजी ने हम सब बहनों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया और हम जो करना चाहते थे अपनी जिंदगियों में मुझे इस बात का गर्व है कि हम वो सब कर पा रहे हैं मैंने अपनी सरकारी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त की और सर, सरकारी स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का दयाल सिंह कॉलेज से मैंने अपनी बी एस में अपना केमिस्ट्री किया और उसके बाद सेंट स्टीफन्स कॉलेज से एम केमिस्ट्री किया बी किया एम किया और बस यही संघर्ष है जो अभी भी जारी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 19 साल की उम्र में ही यूथ पॉलिटिक्स जो है छात्र राजनीति जो है वहां से शुरुआत की वो कदम कितना बड़ा था क्योंकि आपने कहा कि सपना तो अंतरिक्ष तक भी था लेकिन वो सपना छोड़कर जो यूथ पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा वो क्या परिवार वालों के, के लिए एक सरप्राइज था या क्योंकि आपने कहा कि कोई और नहीं था परिवार से देखिए मेरी माँ के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि छः बेटियाँ और छः बेटियों को बहुत माँ ने ऐसे पाला हुआ था है हाँ ना स्कूल से घर घर से हर चीज़ पर माहौल अच्छा नहीं है बेटियाँ हैं लेकिन जब मेरी बारी आई और आ, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद राजनीति में आने का चुनाव लड़ने का मिला तो मेरी माँ ने मना कर दिया पर पिताजी डिफेंस से थे वो जानते थे कि इसका आदर्श इंदिरा जी और फाइटर रही है तो मुझे इसको रोकना नहीं है तो माँ को वो समझा लेंगे ये मेरे पिताजी ने गारंटी ली और मैं चुनाव लड़ गई और जब जीती तो मेरी पड़ोस की जो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं माँ को कहती थी कि बेटी को राजनीति में और इस तरह से आना जाना ये सब करना वही महिलाएं मेरी माँ के पास वो अखबार लेकर गई जिसकी सुर्खियों में मेरी तस्वीर थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद एक महिला ने जीता और मेरे साथ जो तीन पैनल में थे वो तीनों हार गए थे उस समय नैना सानी कांड भी हुआ था तो नैना सानी कांत जब हुआ तो एक महिला का राजनीति में उसी समय उसी चुनाव में आना आ, मुझे याद है कि एक तंदूर बनाकर ए बी, बी, वाले लोग लाए थे और उस तंदूर में नैना सानी नहीं मुझे डाला गया था कि अगली नैना सानी राजनीति में महिलाओं के साथ जो है वो ये होगी तो मुझे नहीं मालूम था ये क्या है और मेरे साथ क्या होने वाला है पर मेरे पास दो ही रास्ते थे या तो मैं ये सब घटना देखकर डर के कि एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है उसे डर कर घर बैठ जाऊं आगे कदम ना रखूं और या था कि ठीक है मुझे इसको चुनौतियों को स्वीकार करना है और रास्ता निकालते चले जाना है नहीं तो मेरे बैठने से शायद बहुत सी महिलाओं की जो स्टूडेंट थी उम्मीद टूटेगी डर जाएंगी बैठ जाएंगी लेकिन नहीं ये चुनौतियाँ हैं ये संघर्ष है स्वीकार किया आगे बढ़ी और पचास हजार वोट मुझे आज भी याद है दिल्ली विश्वविद्यालय के अस्सी कॉलेज पूरे देश के कोने कोने तक दिल्ली के कोने कोने में फैले हुए थे वहाँ पचास हजार वोट से और तीन लाख के करीब छात्रों ने वोट किया था वो मेरा अठारह साल का पहला चुनाव था बहुत से उतार चढ़ाव अनुभव हुए और मुझे लगा किसी के राजनीति की शुरुआत चुनाव से और वो भी ऐसा चुनाव हाँ ऐसे नारों के बीच में तो अपने प्रोफेसर साहब को कहा कि सर बस एक साल का है मैं पूरा कर लूंगी उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई ही जारी रखनी है ये होगा नहीं और मेरे पिताजी को भी मना कर दिया था लेकिन भाग्य में लिखा हुआ था शायद तभी लिख दिया गया था जब मैं नौ साल की किन्द्रा जी को देख रही थी ठाना था चाहकर भी बहुत बार वापसी करनी चाहिए लेकिन हुई नहीं और अभी यही आगे बढ़ने का फैसला है छात्र राजनीति के बारे में आपने बताया लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़े कांग्रेस पार्टी में असली एंट्री कब हुई आपकी और कैसे हुई कैसे आप क्या किसी को जानती थी सामने वाली कोठी राजेश खन्ना जी की थी राजेश खन्ना जी उस समय नई दिल्ली से सांसद थे कांग्रेस से थे सामने वाली कोठी थी तो हम कॉलेज के स्टूडेंट ने कहा राजेश खन्ना जी को मुख्य अतिथि बुलाते हैं मैं भी गई उनको बुलाया और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और राजेश खन्ना जी मंच पर थे NSVI के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जी मंच पे थे वोट का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया है महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण का अधिकार उन्होंने दिया है और इक्कीस के युवा की बात करते तो पूरे भाषण में जब ये था तो राजेश खन्ना जी एन ने सबने बात की और वो बात श्रीमती सोनिया गांधी जी तक पहुंची कि दयाल सिंह कॉलेज में एक लड़की है अगर वो मान जाए तो इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव उसे लड़वाया जा सकता है हालात बहुत फेवर में नहीं है बट लगता है कि उम्मीद जिंदा रह सकती है हम वो चीज सकते हैं मेरी वो पहली मुलाकात मुझे याद है 1995 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कि राजीव जी की बात कर रही है सोनिया जी से मिलना चाहोगी ऐसे सोनिया गांधी जी से हाँ मुझे मिलना है है ना तो सोनिया गांधी जी से मिली और उन्होंने भी कहा कैसी थी वो मुलाकात अगर आप बताएं मैं कभी नहीं भूल सकती उस मुलाकात को मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था जो इंदिरा गांधी जी ने जिनकी गोद में 40 गोलियों से छन्नी होने के बाद सर और रखा था दम तोड़ा था जिसका खुद वस्त्र लहूलुहान थे ये वही महिला है हिम्मत वाली जिसने वो सब मंजर और खड़ी रही ये वही है जिनके पति श्री श्री राजीव गांधी जी को में एक आतंकी हमले में खत्म कर दिया जाता और उनके पूरा शरीर नहीं टुकड़े आए और उस महिला फिर भी खड़ी रही ये वही महिला है जो कांग्रेस को आगे ले जाने का सो बहुत हिम्मत मिली और वो महिला को मैं देखती थी कि हम तो भारतीय हैं हर चीज़ कैसा भारत की संस्कृति रीति रिवाज पहनावा वो तो इटली से आए हैं भाषा सीखना रीति रिवाज संस्कृति सीखना यहाँ के संस्कारों को परिवार को इतनी विषम प्रसिद्ध है क्योंकि इंदिरा जी नहीं रही राजीव जी नहीं रहे प्रियंका राहुल छोटे थे वो महिला अडिग रही और खड़ी रही तो वो हिम्मत मैं कहूँगी और आज भी जो क्लास की बात करती हूँ मुझे, मैं उनसे पूछती हूँ मैडम ये साड़ी आप कैसे पहन लेती हैं इतनी खूबसूरती से है ना ये जो संस्कार हैं ये जो आ, परिवार वाली बात है बांध कर और और सबको जिम्मेदारी इतनी कैसे हिम्मत तो उनसे मिली मुझे जी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे 2014 की बात करेंगे 2014 में आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी से आप बहुत प्रभावित प्रभावित रही हमेशा लेकिन दो में ऐसा क्या हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और मोह भंग हो गया क्या देखिए मैं आम आदमी पार्टी बनने के बाद उसकी सदस्यता लेकर ना शामिल हुई ना चुनाव लड़ी मैं रामलीला मैदान जरूर गई आंदोलन को देखने के पूरा देश देख रहा है लाइव प्रसारण हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जन लोकपाल कानून और बहुत कुछ स्वराज की बातें हो रही थी महात्मा गांधी जी के साथ अन्ना जी की फोटो थी आ, कि ये हमारे आज के गांधी हैं वो आजादी के पहले के और बाद के गांधी तो वो चीज़ें मुझे खींच कर ले गई पूरी दिल्ली को खींच कर ले गई मैं भी गई और वहाँ पर आंदोलन में और मैं कांग्रेस को आकर बताती रही क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस की इस आंदोलन को हल्के में मत लीजिए इसे गंभीरता से लीजिए यहाँ से यूथ जुड़ रहा है और जिस तरह के स्वराज का नारा तो महात्मा गांधी जी और हमारे तिलक जी हमारे जो स्वतंत्रता सैनी इन सब के दिए हुए हैं कहीं कुछ कमियां हैं एंटी इनकम्बेंसी भी था शीला जी का पंद्रह साल का केंद्र में दस साल से हम ही थे तो जो कुछ भी था वो हमारे खिलाफ चीजें थी निर्भया का आंदोलन हुआ ये सब चीजें लेकिन पार्टी उसको बहुत गंभीरता से दिल्ली में खास तौर से बहुत हल्के में ले रही थी और वो आंदोलन ने बड़ा रूप लिया और आंदोलन ने देखा और जब अरविंद केजरीवाल जी वाराणसी पहुंचे मोदी जी से सीधे टक्कर लेने तो मुझे तब लगा ये सही है आ, कि एक हिम्मत वो दिखा रहे हैं वहां पर मैंने पार्टी में शामिल हुई 2014 में चुनाव नहीं लड़ी तेरह का चौदह में भी नहीं मैंने लड़ी लोकसभा का 500 सीटों से अधिक आम आदमी पार्टी लड़वा रही थी मुझे लगा कि नहीं मुझे आपको अभी सपोर्ट करना है कि आप कितने आगे जा सकते हैं और एक बदलाव की लड़ाई है तो 14 में मैं वाराणसी की खाक छान रही थी अरविंद जी चुनाव लड़ रहे थे सब कुछ कर रहे थे और पंद्रह में जब आया चुनाव तो केजरीवाल जी ने मुझे कहा अब चाहते हैं कि आप पार्टी में आधिकारिक शामिल होकर चुनाव लड़ें तब मुझे लगा कि अब जब लड़ना ही है तो जिम्मेदारी लेते हैं और मैं लड़ी और मैं जीती और पांच साल दिल्ली से मैं चांदनी चौक से विधायक मैं रही लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम तो किया ही चार पांच साल वो वक्त कैसा था वो आज... आप हंस रही हैं इस बात पर पहले कैसा वक्त था वो देखिए मैं चार चुनाव लड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ी तीन विधानसभा की लड़ी दो चुनाव मैं जीती हूं, लोकतंत्र में दो मैं हारी हूं लेकिन विधायक बनने का अवसर पहली बार था विधानसभा में जब पहुंची तो मुझे लगा बहुत बड़ी जगह है ये ये बहुत उम्मीदें यहाँ से कानून बनते हैं यहाँ से भाग्य तय होता है दिल्ली और देश के भविष्य का ये वो जगह है उसकी गंभीरता को का एहसास मुझे हुआ और मेरे ख्याल से मैं अकेली विधायक थी जिसकी अटेंडेंस सो में से सौ थी एक भी विधानसभा का सत्र नहीं होगा जब मैं नहीं गई एक भी ऐसा नहीं था सेशन जिसमें मैंने सवाल ना पूछे हो और एक भी सदन ऐसा नहीं था जहां पर मैंने अपनी बात को ना रखा हो अब सवाल तीन आए थे पहला आया था कि जब राज्यसभा की टिकटों का फैसला होना था मैं विधायक थी हम सब बैठे थे हमें वोट करना था और तीन दिल्ली के राज्यसभा सांसद चुनने थे हम लोग सब बैठकर चर्चा कर रहे थे कौन जाएगा विधायक कुमार विश्वास जाएंगे आशुतोष जाएंगे नहीं आशीष खेतान जाएंगे नहीं संजय सिंह जाएंगे प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव हम आपस आप में देखेंगे कि फाउंडर मेंबर हैं आंदोलन से जुड़े हुए ये जाएंगे और हमें पता लगा कि कोई दो गुप्ता ब्रदर हैं हम सब विधायक बैठे थे तो पूछा ये कौन है दो गुप्ता ब्रदर सबसे पूछा फाउंडर मेंबर हैं पार्टी से जुड़े थे आंदोलन से जुड़े थे कोई जानता है कौन है किसी को नहीं मालूम कौन है तो वो हम सबके लिए था कि ये क्या है क्यों है ये सब सवाल उठे वहां पर सवाल उठे एक वो था कि नहीं पार्टी चलानी है अब पैसा चाहिए तो इसीलिए दो गुप्ता ब्रदर पूंजीपति जो थे अपना उद्योगपति उन्हें वो राज्यसभा दी गई क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए पैसा चाहिए था ये बात उस समय आई तो समझ गए सब कुछ कह तो ये एक था कि जो सिद्धांतिक हम आए थे व्यवस्था बदलने के लिए जो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगते थे टिकटें बिकती हैं ये सब चीजें तो लगा ये तो अभी हम आए हैं पंद्रह में और अट्ठारह में राज्यसभा भी हुआ दूसरा इंसिडेंस हुआ जब राम रहीम को दोषी करार दिया गया। उस समय विधानसभा का सत्र भी था। दोपहर को दो बजे से सुबह सुबह फैसला आया कि राम रहीम दोषी करार दिए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा इस दौरान आपको केजरीवाल जी का फोन कॉल आया था या और मैं तुरंत मैं फेसबुक लाइव की मैं दो बजे का इंतजार नहीं कर पा रही थी कि विधानसभा जाऊंगी और इस मुद्दे को उठाऊंगी मैं फेसबुक लाइव गई और मैंने कहा देखिए अंत में

विस्तार कर रही है और हरियाणा में जो समर्थक हैं वो अधिकतर राम रहीम को मानने वाले हैं उनके फोन आ रहे हैं कि अपने विधायक को कहिए ये फेसबुक लाइव बंद करे और उसे हटाए मैंने कहा सर ये हटेगा नहीं मैं विधानसभा में आ रही हूँ मैं आपसे बात करती हूँ और मेरे लिए शॉकिंग था ये वही पार्टी है जो निर्भया आंदोलन में दिल्ली में महिलाओं की बात करके आज राम रहीम पर मुझे उसके बाद मैं विधानसभा गई स्पीकर सर सर को कहा सर आज मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहती हूँ निर्भया से लेकर ये जो लड़ाई है मुझे इजाजत नहीं मिली और मेरे को कहा गया कि तुमने अभी तक फेसबुक लाइव क्यों नहीं डिलीट किया है मैंने कहा सर ये नहीं होगा आपको जो करना करिए और उन्होंने मुझे प्रवक्ता से हटाया ये उन्होंने किया मुझे मंजूर था तीसरा इंसिडेंस आप कह रही है कारण क्या था तीसरा था दिल्ली विधानसभा का सत्र था विप जारी था सबको उपस्थित रहना था पूछा गया आज क्या हो रहा है पता लगा आज भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी सबसे युवा प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए सदी कंप्यूटराइजेशन मोबाइल अट्ठारह साल का वोट का अधिकार में उनका भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव आ रहा है विधानसभा में विप जारी है मुझे मालूम था विप का अगर उल्लंघन करूंगी तो क्या होगा अब रास्ता यही था कि विप जारी है प्रस्ताव आ रहा है भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा से केंद्र को भेजा जा रहा है वापस लिया जाए और उस पर मैं समझ नहीं पाई मैं गई केजरीवाल जी से बात किया ये आप ठीक नहीं कर रहे ये तो काम भाजपा ने आज तक नहीं किया कि वो केंद्र में बैठी है उसकी सरकारें पूर्ण राज्यों की वहां पर भी कभी ये भारत रत्न ऐसे थोड़ा लिए और दिए जाते हैं कि आप दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव ले आएंगे या कोई भी किसी विधानसभा में कल को अटल जी के खिलाफ प्रस्ताव आएगा और आप ऐसे भारत रत्न देते हैं लेते ये मत करिए आप ये तो भाजपा ने भी नहीं कभी किया लेकिन नहीं वो अड़े हुए थे चर्चा चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था अब मेरे पास रास्ता यही था मैं पीछे अपना जो आ, सिटिंग होती है हमारी विधायकों की वहाँ बैठी हुई सोच रही थी विधानसभा में आई मैं और मैंने कहा नहीं इसका समर्थन नहीं कर सकती हूँ मेरी विधायक विधायकी जाएगी मुझे पता है विप जारी है और आ, मैंने उसका उसका वॉकआउट किया उसका समर्थन नहीं किया बिल पास हो गया लेकिन वो कभी केंद्र को नहीं भेजा जा सका आ, लेकिन मुझे है कि मैंने वॉकआउट किया और उसमें मेरी सदस्यता चली गई उसका सोनिया गांधी जी का अहमद पटेल जी अब जिंदा नहीं है अहमद पटेल जी का फ़ोन आया सोनिया जी बात करेंगी और पाँच साल के, के बाद मेरी उनसे बात हो रही थी फोन पर एंड वो भावुक थी उन्होंने कहा दिल्ली विधानसभा में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था हम सब ब्रेकिंग और लाइव देख रहे थे कि राजीव गांधी उनके पति उनके उनका शव जैसे आया था है ना मतलब की वो बहुत भावुक थी उन्होंने कहा दिल्ली में विधानसभा में सत्तर में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस का खून अभी भी जिंदा है और वो उनके लिए भावुक क्षण था कि मैंने उसका वॉकआउट किया विरोध किया और मैं निकल कर आई और उसका समर्थन किया तो उसके लिए उन्होंने कहा और फिर कहा आकर मिलो मैं उनसे मिली और उन्होंने कहा घर वापसी करो और मैंने एक क्षण नहीं लगाया और मैं कांग्रेस में वापसी की अपना सफर आगे का जारी है और आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैं आज सदस्य हूँ उस पर भी आएंगे लेकिन थोड़ा सा उसके पीछे जाएंगे कि आपने जो आपका रेजिग्नेशन था या जो आप छोड़ कर गई आम आदमी पार्टी फिर से आपने ट्विटर पर वो डाल दिया आपने कहा कि यहीं एक्सेप्ट कर लो मेरा रेजिग्नेशन देखिए मैंने जो विधानसभा में राजीव गांधी जी के भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव आया था उसकी कॉपी मेरे पास थी जबकि जब ये दबाव बना ममता बनर्जी और सब लोग क्योंकि आ, उस समय भी था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलायंस चाहती है तो ममता बनर्जी जी ने भी बोला कि तुम अलायंस चाहते हो और यहां से भारत रत्न का प्रस्ताव ला रहे हो कैसे बात करूंगी तो वो दबाव उस समय बना हुआ था लेकिन ये कहा गया कि प्रस्ताव आया ही नहीं पर ब्रेकिंग आज भी टीवी पे है भारत रत्न वापसी का और वो प्रस्ताव की कॉपी विधायक थी तो वो कॉपी मैंने मांगी जो मेरा राइट था वो मुझे मिली और उस कॉपी को मैंने ट्वीट किया था जिसको हटाने के बाद फिर केजरीवाल जी ने की मैंने कहा अब ये कॉपी नहीं हटेगी मैं अपना इस्तीफा भी डाल रही हूँ स्वीकार करिए मैं आगे लड़ाई लड़ूंगी बिकॉज ये सब करने नहीं आई थी एक विधायक बनने नहीं आई थी सिर्फ और ये जो स्वराज भ्रष्टाचार जन लोकपाल और जिस तरह के समझौते हो रहे हैं मंजूर नहीं है लड़ाई तीस साल की लड़ी है अब ज्यादा जिंदगी नहीं है पचास पूरे कर चुके हैं बीस साल है समर्पित है अभी आगे जाना है इस वक्त आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सी डब्ल्यू सी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की उसकी मेंबर हैं लगता है कुछ बदला वहाँ से कोई फर्क आपको लगता है अपने आप में बहुत कुछ मुझ में या पार्टी में दोनों बहुत कुछ बदला है अभी जब अब हमारा उदयपुर नवसंकल्प शिविर किया गया, गया तो उदयपुर में ये तय हुआ कि पचास टॉप टू बॉटम जो हमारा संगठन है उसमें युवाओं को महिलाओं को टेंथ जो है फिफ्टी परसेंट बिलो द एज ऑफ फिफ्टी हमें देना है और मुझे खुशी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब आई हमारे सामने तो उसमें मेरे जैसे बहुत सी महिलाएं युवा फर्स्ट टाइम और बहुत लोगों ने कहा हम पहली बार यहाँ तक पहुंचे हैं उसमें डॉक्टर शशि थरूर भी थे और सचिन पायलट भी थे हम लोग भी थे तो बहुत से एक बदलाव हमने इसमें देखा है कि युवाओं के ऊपर कंधों पर अब आप हम देखेंगे तेलंगाना में हमारे जो मुख्यमंत्री ने शपथ ली रेवंत रेड्डी और हमारे सुखू जी युवा कांग्रेस से निकले हुए हिमाचल के तो काफी पार्टी में राहुल गांधी जी के

दिल्ली की सीटें हैं जिसकी दिल्ली उसका देश होता है ताकत लगाइए संगठन मजबूत कर रही है तैयारी करिए तैयारी पर खुद अपने दम पर कांग्रेस लड़ेगी जिसपे विवाद हुआ और मुझसे भी पूछा गया बिना मेरी लाइव को सुने हुए लेकिन मैं फिर आपसे कह रही हूँ हम हमारी कोशिश है इंडिया समूह की उन्नीस तारीख को चौथी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में कि देश के अंदर एक उम्मीदवार हो वो इंडिया अलायंस का सर्वसहमति से एक उम्मीदवार हम खड़ा करने की कोशिश है दिल्ली में भी मुझे पूरी उम्मीद है गठबंधन आम आदमी पार्टी से हो इसकी तरफ हम लोग मजबूती से बढ़ रहे हैं हमारी बैठकें हो रही हैं कि कौन सी सीटों पर कितनी सीटों पर

तो मेरी उनसे मुलाकात अभी बहुत नहीं हुई थी कि वो मुझे जाने मैं उनको जानू लेकिन एक उन्होंने माना कि मैंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट कहा नहीं था लेकिन सबने उनको बोला कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के अतिशी और राघव चड्ढा और आपका सौरभ भारद्वाज बहुत विवाद कर रहे हैं कि अलका लांबा ने ऐसा कह दिया है अगर आपको गठबंधन नहीं करना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं इंडिया लाइन की मीटिंग का क्या मतलब है ये सब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या किया एक माहौल ऐसा बना दिया कि दीपक जी को जबरदस्त कहा गया उन्होंने कहा लेकिन बाद ऐसा नहीं था आ, वो मुझे राजनीति मेरा, मेरा संघर्ष गलतियां हर एक से होती हैं ये वो करके बट उनको लगा बात खत्म करते हैं और मुझे ऐसा उनको भी लगा नहीं कहना चाहिए था और उसके बाद वर्किंग कमेटी जब मैं बनी तो सबसे पहले बधाई के लिए उन्हीं का फोन आया मुझे लेकिन उस बीच पार्टी ने कुछ नहीं कहा कि थोड़ा संभल के कुछ नहीं क्योंकि उन्होंने कहा अलका ने कुछ गलत कहा ही नहीं अलका तो ने तो ये कहा है कि हमारी जो मीटिंग है वो दिल्ली की सातों सीटों पर संग, मजबूत संगठन के साथ तैयारी की बात है इसमें गलत क्या था इसी को लेकर तो मीटिंग थी इसमें विवाद था ही नहीं पर वही बात है ना बिना बात के बतंगड़ बनाना विवाद बनाना और मैं तो अब मीडिया के सामने बहुत इंटरेक्ट कर रही हूँ कि आपको जबरदस्ती कुछ विवाद बनाने की जरूरत नहीं मैं आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ आप मुझसे सवाल करिए लेकिन मैं जो कह रही हूँ मैं वही कह रही हूँ उसके मतलब मत निकालिए और अगर आपको लगता है ये मतलब तो नहीं वो मतलब तो पूछ लीजिए मैं बता दूंगी ये मतलब तो नहीं है वो मतलब तो नहीं है अच्छा अभी हम जानते हैं कि पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आए yeah. कांग्रेस पार्टी एक राज्य जीत पाई तेलंगाना सबसे ज्यादा झटका किस राज्य में लगा और फेलियर कहें या आप इसे जो भी टर्म देना चाहें क्या कारण रहे अगर उसका विश्लेषण अभी तक आप कर पाए ये पांच राज्यों के चुनाव थे और हम पांचों राज्यों में मजबूती से उतरे लेकिन हमारा अंदरूनी जो आकलन सर्वे था वो ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में हम स्वीप करेंगे एक बार फिर से आ रहे हैं दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हमारे लिए चुकाने वाले परिणाम रहे राजस्थान राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर आप संघर्ष में हैं मुकाबले में है बहुत कंफर्टेबल नहीं है जिसको अशोक गहलोत जी ने स्वीकार भी किया और हम वहां पर लड़े तेलंगाना पहले से तय था कि लड़ाई बीआरएस और बीजेपी के बीच में जो दिख रही थी इतना मजबूती से हमारा वहां पर कैंपेन रहा हमारी गारंटियों को लेकर कि बीजेपी बिल्कुल बाहर चली गई हमारी और बी की लड़ाई में हम लीड लेकर वहां सरकार बना गए मैं वापस छत्तीसगढ़ में आती हूँ हमने आकलन किया राहुल गांधी जी खरगे जी सब बैठे और चारों राज्यों की परिणाम के बाद लीडरशिप को दिल्ली में बुलाया और बात कही क्या कारण रहे सबसे पहला कारण मैं फिर कह रही हूं देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में जाकर मंच से झूठ बोलते हैं वो झूठ क्या था वो झूठ महादेव ऐप का था मात्र बीच चुनाव में ईडी पंद्रह दिन में ईडी भेजते हैं चुनाव की घोषणा हो गई है नामांकन जारी है राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हो मुख्यमंत्री के बेटे हो या छत्तीसगढ़ में ईडी भाजपा की तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और चीजों को प्रभावित कर रही थी कहीं ना कहीं हमारा समय बर्बाद हो रहा था कहीं ना कहीं हमारे जो है एक हमें परेशानियां वहां पर कर रहे थे और महादेव ऐप में क्या हुआ जो गाड़ी पकड़ी गई रजिस्ट्रेशन बीजेपी के नाम पर जो आदमी पकड़ा गया बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें और महादेव ऐप का जो आरोपी था कोर्ट में जाकर बयान देता है कि उसने तो कभी कहा ही नहीं कि भूपेश बाघेल जी ने उनसे पांच करोड़ लिया है तो सारा झूठ था मोदी जी गए थे प्रधानमंत्री जी यूए हमने कहा जहाज में बिठाकर ले आना था उसके आरोपी से यूए में था तो वो झूठ चला और सच एक कदम पीछे रह गया मैं मान रही हूँ ईडी का बहुत बड़ा रोल था आप राजस्थान जाएंगे वहां पर कन्हैया लाल को उदयपुर में जाकर कन्हैया लाल को मुद्दा बनाया और उनका झूठ क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ऊंचे से नीचे तक फैल जाता है और हमारा सच बताने में एक कदम पीछे रह गए कि जांच तो कन्हैया लाल की हत्या की एन कर रही है जो देश के गृहमंत्री अमित शाह जी आपके अधीन है एक साल से जहां पर फांसी के तख्ते पर झूल जाना चाहिए था एक साल से लेकिन उनको आप बेल दे रहे हैं है ना और वो भी जो हत्यारे थे वो तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जिनकी तस्वीरें भी जारी की और गहलोत सरकार ने तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी पचास लाख रूपये आर्थिक मदद और जांच को तुरंत एक हफ्ते में करके एनआईए को तक को सौंपा कि कोई तो वही झूठ पैसे कमे को एक हजार करोड़ एडीआर ने बताया कि इन पांच राज्यों के चुनाव में जो बॉन्ड से चंदा आया वो एक हजार करोड़ आया नब्बे प्रतिशत पैसा भाजपा को गया है पैसा कहें आपका संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कहें चुनाव आयोग हम शिकायत कर रहे हैं आपसे आप, आप हमारी शिकायत ही नहीं चुनाव आयोग ले रहा है और राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया है इसलिए उनकी शिकायत लेते हैं और नोटिस भी जारी कर देते हैं और हमें जवाब के लिए भी बुला लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाएं कहें पैसा कहे प्रधानमंत्री जी का झूठ कहें ये सब चीजें हमें लगा जो मंथन में और कहीं ना कहीं ईवीएम पर दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कहा कि जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी 200 सीटों पर कांग्रेस 51 परसेंट वोट लेकर लाखों में आगे थी ईवीएम शुरू होते ही बारह विधायक सांसद बारह सांसद निरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हार रहे हैं लहर है लोग वोट दे रहे हैं ये क्या हुआ हमें भी समझ नहीं आया अब हमने कहा चुनाव आयोग को वीवीपैट की काउंटिंग हो जाए कुछ राज्यों में कुछ पोलिंग बूथ की मशीनों को टाके वीवीपैट स्वीकार ही नहीं कर रहे वीवीपैट से ये तो हमारा अधिकार है आप क्यों डर रहे हैं कि वीवीपैट से कुछ ईवीएम मशीनें और ये मैच कर जाए तो ये है कि ईवीएम पे ऊपर लोकतंत्र में सवाल है इस लोकतंत्र के हर सवाल को टालना जवाब दीजिए लोकतंत्र में बस हमारा कहना है अलका जी आ, पिछले दस साल में कांग्रेस पार्टी बहुत सारे चुनाव लड़ी और बहुत सारे चुनाव हारी भी है जीती कम और उसमें लेकिन ये जो चुनाव ऐसे थे ना जिसमें कांग्रेस का एक नया चैप्टर शुरू हुआ था एक यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा जो मध्यप्रदेश राजस्थान में गई थी तेलंगाना भी गई थी और छत्तीसगढ़ से गई नहीं थी लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर वहाँ गया होगा इसके मतलब चुनाव तक कांग्रेस पार्टी जीत रही थी लेकिन चुनाव में न राहुल गांधी के मुद्दे दिखे न भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा न एंटी इनकम्बेंसी दिखी ना प्रो इनकम्बेंसी दिखी ये क्या हुआ आप जो तर्क बता रही हैं वो तो पुराने तर्क हैं लेकिन इस चुनाव में नया था राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पुराने होंगे यही, यही तो वो तो वो, वो मुद्दों की बात करी ना संप्रदायिकता की गई ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया एडीआर में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है जनता को जानने का हक है

कर्नाटक से गुजरी थी कर्नाटक में हम जीत गए तेलंगाना से गुजरी जीत गए राजस्थान का पिछली बार विपक्ष में जब हम थे तो 20-25 सीटें थी आज 69 70 सत्तर के करीब सीटें हम वहां पर तो हमारे हम वहां चुनाव हारे नहीं है मैं आपको फिर कह रहे हूं चुनाव वो हार रहा है जो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं हम भाग गए मैदान छोड़कर नहीं हम मैदान में खड़े हैं छत्तीसगढ़ हो राजस्थान मध्य प्रदेश भूमिका बदल गई हमारी भूमिका राजस्थान छत्तीसगढ़ में बदल गई हम पक्ष में थे सत्ता में थे अब हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा धर्म है एक जिम्मेदारी है उसको हम निभाएंगे हमने परिणाम स्वीकार कर लिए हम आगे बढ़ गए हमने तो बधाई भी शिवराज जी को कमलनाथ जी घर जाकर दे गए थे वो अलग बात है वो नहीं बने अशोक गहलोत जी ने वसुंधरा जी को दे दिया था है ना सो बात ये कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के जो आपने अगर देखना है उनके मुद्दों के पर तो चौबीस में देखिएगा बुदेश के मुद्दों को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिखा दिया था कि भारत जुड़ रहा है और मुद्दे जो थे वही मुद्दे 24 में रहने वाले हैं हिमाचल में यात्रा नहीं गई थी लेकिन कर्नाटक में यात्रा गई और उसके बाद एक शानदार जीत कर्नाटक में हुई और कर्नाटक के बाद ही एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था जब इंडिया अलायंस की नींव पड़ी थी और वो तीन बैठकों से और सत्ताईस से अट्ठाईस पार्टियों तक चली गई लेकिन तीन राज्यों के चुनाव के बाद जो है इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जो अखिलेश यादव हों ममता बनर्जी हों इवन अरविंद केजरीवाल बहुत कोई इंटरेस्ट शायद अब नहीं दिख रहा है और वो इंटरेस्ट इसलिए दिखना शुरू हुआ था क्योंकि लगने लगा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में भी बीजेपी को हराया जा देखिए मैं आपको बताती हूँ सोलह राजनीतिक दलों से इंडिया अलायंस बना आज अट्ठाईस उसमें है तीन कामयाब मीटिंगें रही और सब अभी तक इंटैक्ट हैं चौथी मीटिंग 19 तारीख को दिसंबर को दिल्ली में होगी मैं फिर आपको कह रही हूं इंडिया अलायंस जिस दिन बना था भाजपा में उस समय घबराहट पैदा हो गई जो एक अकेला सीना छाती पर हाथ रखकर एक अकेला मोदी मोदी कर रहे थे वो 38 दलों की मीटिंग करके दिखाने पर मजबूर हो गए कि आप अट्ठाईस दल तो हम अड़तीस एक ही मीटिंग हुई दूसरी हुई नहीं खत्म हो गई फिर बात आती है बोखलाट कितनी थी इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस अब कुछ पत्रकार साथी भी मीडिया भी इंडिया को इंडी अलायंस बोल रहे क्योंकि भाजपा ने इंडी बोल दिया इंडिया अलायंस को घमंडिया इंडिया को घमंडिया ये बौखलाहट दिख रही है आपकी आप संविधान तक पे आ गए कि अनुच्छेद एक कहता है इंडिया अर्थात भारत भारत अर्थात इंडिया आप जी ट्वेंटी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत खेलो इंडिया नहीं खेलो भारत पूरा चेंज होने लग गया था हर जगह से इंडिया को हटाकर भारत ये बौखलाहट ही नहीं तो क्या थी आपकी कि आप स्वीकार नहीं, नहीं कर पा रहे कि 28 दल जो धर्म निरपेक्ष जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को मुद्दों पर किसान हो कितने किसानों ने आत्महत्या की मैं नहीं कह रही हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़े बताते पिछले पांच साल में पचास हजार किसानों ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या की है आप तो एमएसपी पे कानून दे रहे थे उन्हें आप तो उनकी आय दुगनी कर रहे थे आप उनका कर्ज माफ नहीं करते सवाल पूछा कितने पूंजीपति मित्रों का पांच साल में मात्र पांच साल में कर्ज माफ हुआ है लाख लाख करोड़ करोड़ 11 पूंजीपतियों का माफ होता है वो रेवड़ी नहीं अगर मैं कहती हूं मैं किसान का कर्ज माफ करूंगी तो मैं रेवड़ी दे रही हूं मैं राहत दे रही हूं उसका कर्ज माफ पैंतीस हजार युवा छात्रों ने आत्महत्या की है मैं नहीं कह रही हूं ये मुद्दे हैं 24 के इनके लिए हो ना हो हमारे लिए है पैतीस हजार आज कौन है क्या नाम है राम दुलारे भाजपा के सिटिंग विधायक 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राची से बेटी बचाओ कह रहे थे इन्हीं का सिटिंग विधायक राम दुलारे नाबालिग बेटी का बलात्कार कर रहा था दस साल लग गए चौबीस आने वाला है और आज कोर्ट में उस पर सजा सुनाई दे रही है पोक्सो कानून तो कहता है फांसी पर झूलना चाहिए भाजपा के इस विधायक को इससे पहले कुलदीप सिंह संगर सिटिंग विधायक ब्रजभूषण शरण सिटिंग सांसद आज भी संसद में बैठे हैं बेटियों की एफआईआर नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने की साक्षी मलिक की एफआईआर डबल इंजन की सरकार में आदिवासी नाबालिग आदिवासी बेटियों को थाने से खींच कर नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है आठ महीने हो गए आज भी जल रहा है नहीं जाते आप वहां पर राम रहीम को पेरोल बार बार किसकी सरकार दे रही है मुद्दे ये हैं और राहुल गांधी जी क्यों मैं बस भारत जोड़ो पर आ रही हूं वापस राहुल गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे तो हमने देखा बहुत सी महिलाएं मैं महिला हूं ये बैठी हुई हैं कोई भी महिला यूं किसी अजनबी आदमी से जिसे कभी मिली नहीं जाकर लिपटती नहीं है वो राहुल गांधी के गले लगकर रोई क्यों क्योंकि कहीं अपना पन, कहीं अपनापन विश्वास था और उन्होंने बताया हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है न्याय नहीं है अदालतों के चक्कर है जिसमें यह भी था पोक्सो के कानून के तहत राहुल गांधी जी ने कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ू इसे नहीं हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे बत्थी के आपसे कहना था मन हल्का करना था रोई गले मिली और दिल्ली पुलिस क्या करती है साक्षी मलिक करने जंतर नहीं जाती राहुल गांधी जी के घर जाके दिल्ली पुलिस ये कहती है हमें जानकारी दीजिए वो कौन सी महिलाएं थी राहुल गांधी जी ने कहा जंतर मंत्र पे बैठी है वो बेटियां कुलदीप सिंह सेंगर और आपके अभी के विधायक और जितने भी हैं सब बेटियां यही कहीं हैं आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन क्या हुआ राहुल गांधी जी के घर में नोटिस दिल्ली पुलिस थमाने जा रही है आपने ऐसा कहीं जम्मू कश्मीर का है कि बेटियां मिली थी और ये कहा बताइए ये क्या तमाशा है मतलब आपके हिसाब से ये चुनाव भारत जोड़ो यात्रा का टेस्ट नहीं थे क्योंकि ये चुनावी नहीं थे और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था तो क्या क्या भारत जोड़ो टू 2024 के चुनाव से पहले हो सकता है और जो मुद्दे चुनाव में राहुल गांधी चुनाव में और भारत जोड़ो यात्रा में उठाते रहे जातीय जनगणना ओ अडानी ये सारे मुद्दे क्या अभी भी हैं इन पाँच राज्यों के नतीजे आने के बाद बिल्कुल ये मुद्दे थे ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे रहेंगे जातीय जनगणना जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार उसे दिलाने का हमारा संकल्प है हम इसको लेकर जा रहे हैं हम महिला आरक्षण को तुरंत सत्ता में आते ही लागू करने जा रहे हैं जो भी विधानसभा हरियाणा है महाराष्ट्र है दिल्ली है उसमें तैंतीस प्रतिशत आरक्षण के तहत महिलाएं आएंगी ये हमारा वायदा हमारा वायदा है कि आप किसानों को एमएसपी पे कानून बनाकर देंगे उनके कर्ज माफी करेंगे हमारा वायदा है आपसे कि अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजनाएं जो लाकर सेना को कमजोर किया जा रहा है हम उसे रद्द करके सेना की पक्की भर्तियां हम करेंगे और शहीद को कफन में जो तिरंगे का अधिकार है उसके परिवार के जो है वो हक अधिकार देंगे मित्र अडानी का जो आप कह रहे हैं आदि संपत्तियां देश की उनके पास है काम करते हैं है बर्बाद हो गए अभी लेटेस्ट आपसे बात करती हूँ ना देश की सरहदें सुरक्षित है गलवान वैली में चीन घुसता है हमारी जमीन पर हमारे जवान शहीद करता है प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है ये सरहदों की हालत है अब आज ये देश की संसद में अभी अभी हुआ जो कुछ भी हाँ, कितनी सुरक्षा विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत बीच कोरोना महामारी में बीस हजार करोड़ से जो बनाई गई उसकी पोल खुल जाती है कि चार आम युवा कैसे सिक्योरिटी बीच करके संसद के अंदर पहुंचाते हैं और गृह मंत्री जी पांच सितारा होटल में एक कॉन्क्लेव में जाकर बोलते हैं लेकिन सदन में दो दिन से बोल नहीं रहे और जिन्होंने मांग की उन पंद्रह सांसदों को सस्पेंड कर दिया अगर उसमें तो एक डीएम के, के थे जो थे जो भी नहीं उपस्थित देश की बेटियों सुरक्षित नहीं देश की सरहदें सुरक्षित सुरक्षित नहीं नहीं देश की संसद है और आपने कहा क्या ये भारत जोड़ो का इम्तिहान है जी नहीं ये भारत जोड़ो का इम्तिहान नहीं है चौबीस में कि हम जीतेंगे तो भारत जोड़ो कामयाब हुई हम हारेंगे तो वो भारत जोड़ो यात्रा कामयाब थी कामयाब है और पार्ट टू भी होगा वो भी उतनी कामयाब होगी जो अब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी लेकिन मैं आपको कह रही हूं जो आप कह रहे हैं संसद में जो कुछ भी हुआ है मैं आप लोगों के आपके दर्शकों पर छोड़ रही हूँ चार युवा हैं वो भारतीय हैं गरीब परिवार से हैं पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं बताता है कि वो भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते थे उनके राह पर चलकर सोती सरकार को जगाने का उन्होंने ये रास्ता चुना है रास्ता सही है गलत है यूएपीए लग चुका है कोर्ट में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है उन्होंने अपना पूरा भविष्य कैरियर वो हथियार लेकर नहीं गए थे वो कहते हैं हमारे हाथ में वो डिग्रियां थी जिसका कोई मायने नहीं था उसको लेकर वो बहुत से करोड़ों बेरोजगार युवाओं का प्रतिबिंब बनकर गए थे उनका तो ये सैक्रीफाइस है कि अब उनकी जिंदगी बर्बाद है वो शायद जेल से भी बाहर नहीं आएंगे यूएपीए लग गया देशद्रोह आतंकी सब कह दिया गया उन्हें लेकिन बात यह है कि एक सोच छोड़ गए बेरोजगारी ये 140 करोड़ का भारत है चीन से आगे निकल चुके हैं लेकिन दो हाथों को आपने ताकत बनाने की बजाय लाइबिलिटी बनाया हुआ है क्योंकि वो हाथों में रोजगार नहीं है ये गंभीर एक सोच छोड़ के चले गए इसका हल आपको हमें नहीं खोजा तो मैं अग्निपथ भर्ती योजना पर दोबारा आ रही हूँ सत्रह साल के युवा को स्कूल से निकलते ही आपने आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग सरहद पे खड़े होकर दे रहे हैं आप सत्रह साल का युवा चेतावनी है चाहे इसको धमकी कहे चेतावनी कहे पर मैं सच देख रही हूं मैं छात्र राजनीति से आई हूं सत्रह साल का युवा आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग ले रहा है सरहदों की खुफिया जानकारी है उसके पास और वो चार साल के बाद आपके शहरों में लौटेगा बेरोजगार घूमेगा नौकरियां नहीं हैं और वो कितना घातक होगा वो किनके हाथों में खेल जाएगा चाहे आतंकवाद नक है नक्सलवाद है अलग अलग जो भी है कितना घातक वो हो सकता है ये तो हाथ में डिग्री लेकर गए ये तो आम युवा थे चढ़ा दीजिए अगर आपको लगता है कि वो आतंकी वारदात थी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि संसद की सुरक्षा पे आपका अपना सांसद मैसूर से में में नाम निकल सदन में बैठा है कोई पूछताछ उससे नहीं अगर आरोपी ये चार है तो वो पांचवाई पास देने वाला उतना ही आरोपी है अब क्या है इसके पीछे सतपाल मलिक जी से भी बात हो रही थी की सतर्क रही ये दो हजार का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी हद तक भी जाएंगे बस मुद्दों पर इस देश का चुनाव ना हो जाए इसलिए सतर्क सब कुछ है लेकिन अब देखते हैं अलका जी आप कह रही हैं कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है आप लोगों ने भी एक प्रयास किया है इंडिया गठबंधन बनाया उसी गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीट मांग रहे थे जवाब मिला अखिलेश अखिलेश कैसे चलेगा ये गठबंधन देखिए ये सवाल पहली बार नहीं कोई मुझसे पूछ रहा लगातार पूछे जा रहे हैं चुनाव के दौरान जिस तरीके के तेवर दिखाएगा पूछे जाएंगे हाँ नहीं स्वाभाविक है ना ना बिल्कुल पूछे मैं आपका स्वागत कर रही हूँ जवाब नहीं जवाब दे रही हूँ चुनाव से पहले चुनाव के दौरान परिणाम के बाद सरकारें बनने के बाद 24 की लड़ाई की तरफ जा रही है सवाल खड़ा है अखिलेश वकीलेश जो भी है बात यह है कि इंडिया गठबंधन अलायंस जो है वो दो देश के चुनाव देश के मुद्दों को लेकर हम एक हुए हैं राज्यों में किसके साथ हो ना हो ये राज्य की इकाइयों पर पूरी तरह छोड़ा हुआ था कि आप क्षेत्रीय समीकरण देखिए और आप किसके साथ जाना नहीं जाना वो तय करिए और उसका हमने सम्मान किया उनको लगा नहीं राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीधे भाजपा से हमारी टक्कर है वहां मजबूती से हम सरकार में दो में है और एक में विपक्ष में हम लड़ेंगे हमने कहा ठीक है और वो लड़े और हमने आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी को ये नहीं कहा आप मत लगी वो भी लड़े किसको कितना वोट मिला वो बातें अब खत्म हो चुकी हैं किसने किसको क्या कहा अब बात ये कि किसने किसको क्या कहा इस पर चुनाव होगा या दस साल किसने देश के लिए क्या किया है उस पर चुनाव होगा चुनाव तो इस पर होना चाहिए कि दस साल की भाजपा सरकार रिपोर्ट कार्ड रखे आपके बीच में कि दस साल आपके अब आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लाइए अब बेरोजगारी महंगाई किसान सरहद बेटियां सब पे बात हो लेकिन नहीं चैनल्स में आज भी डिबेट इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस के किसके सदस्य ने क्या किया फूट पड़ गई घमंडिया इंडी अलायंस बट जाएगा कुछ नहीं होगा और मुझे मालूम है ईडी का दबाव जब हमने इंडिया अलायंस बनाया पहली मीटिंग हमारी जो होती है पटना में और दूसरी मीटिंग बैंगलोर और तीसरी हमारी मुंबई मुंबई की मीटिंग से पहले क्या किया इन्होंने शिवसेना पर और एनसीपी पर हमला किया पार्टी को दो फाड़ किया ईडी e के मामले थे माफ कर दिए पार्टी दो फाड़ की और उन्हें अजीत पवार चक्की पिसवा रहे थे सत्तर हजार करोड़ छगन भुजवल ईडी के सारे मामले वापस हो गए ईमानदार हो गए पार्टी दो फाड़ हमें अब पता था कि ये पार्टी तोड़ेंगे अब ये टीएमसी पर आम आदमी पर कांग्रेस के तोड़ेंगे अभी ईडी ईडीसीबीआई का पूरा दुरुपयोग करेंगे अब हम तैयार है मुझे लगता है जिसको डरना था जिसको टूटना था अपने मामले वापस करने के लिए ईडी में या सत्ता के लालच में वो अब हो गया है अब कोई ऐसा नहीं बचा है जो इस में, अलायंस में जिसे अब ये तोड़ सकते हैं जिसे डर है आज भी ममता बनर्जी जी के यहां पर ईडी है कब उनके उनको बुला लिया जाएगा आम आदमी पार्टी का भी आप देख रहे हैं हमारे भी ईडी के So, अब ठीक है हमें मालूम है अगले तीस तीन सौ दिन जो रह गए हैं उसमें भाजपा संघ आर ही नहीं सारी संवैधानिक संस्थाएं जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है वो निष्पक्ष नहीं होगा कारण अभी ऑर्डिनेंस आया इसी विधानसभा लोकसभा में क्या ऑर्डिनेंस था पांच जजेस की सुप्रीम कोर्ट के पांच जजेस का फैसला था कि चुनाव आयुक्त और दो सदस्यों की नियुक्ति अब अकेले सरकार नहीं करेगी उस नियुक्ति में अब प्रधानमंत्री नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे निष्पक्षता से फैसला होगा तीनों मंजूर था क्या किया सत्ता संख्या के दम पर आप ऑर्डिनेंस ले आए फैसले को पलट देते हैं और मुख्य चुनाव न्यायाधीश बाहर करके टू इस टू वन से चुनाव आयुक्त और सदस्य की नियुक्ति होगी जिसे चाहेंगे वो नियुक्त होगा वो बैठेगा और वो वो फैसले करेगा

बहन मायावती जी की अपनी मर्जी है कि वो आए या वो बाहर रहें। लेकिन अब लड़ाई NDA वर्सेस इंडिया इस देश में होने वाली है तीसरा कोई टेकेगा नहीं या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं सबकी अपनी मजबूरियां हैं जो बाहर हैं वो उनको रास्ते तय कर रहे हैं अलका जी आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए बेरोजगारी महंगाई सरहद किसान बेटियां ये सब मुद्दे हैं लेकिन आ, साल 2018 में आपने यानी कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान जीता था यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत के जज्बे के साथ आपका कार्यकर्ता गया था 2024 में वो हार की हताशा के साथ जाएगा नहीं मैं कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी की जमीन से जुड़ी हुई मैं बिल्कुल हताश निराश नहीं हूँ परिणाम है हार नहीं स्वीकार रही हूँ क्योंकि मैं हारी नहीं हूं मेरी भूमिका बदली है मैं आज भी मैदान में खड़ी हूं पूरी ताकत के साथ खड़ी हूं और जो फैसला मेरी पार्टी लेगी जो मुद्दे पार्टी लेगी उसको लेकर हम पूरी ताकत के साथ निकलने वाले हैं आप रुकिए तो सही उन्नीस की इंडिया अलायंस की मीटिंग है बाईस को संसद का सत्र खत्म होगा उसके बाद आप देखिएगा कितनी मजबूती और ताकत से इंडिया अलायंस आगे बढ़ने वाला है आप देखिएगा और मुद्दों पर रहेंगे हमें मालूम है भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है हम उसका स्वागत करते हैं मौका मिलेगा हम सब जाएंगे भगवान श्री राम के दर्शन लेकर आशीर्वाद अपने और देश के लिए लेने के लिए लेकिन उसके आगे बेरोजगारी महंगाई किसान बेटियां जज, बेटियां जज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भगवान राम का मंदिर बन रहा है एक महिला जज मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस को लिख रही है मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए क्योंकि मेरा ही एक सीनियर जज मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है और मेरी सुनवाई नहीं है महिला जज उत्तर प्रदेश की बताती है मंदिर से आगे के सोचना होगा लेकिन भाजपा सिर्फ मंदिर पुलवामा के शहीदों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री जी घूमते रहे तब तक जब तक उनको ये नहीं कह दिया गया कि आपका लाइव फुटेज पूरे दूर तक चला गया है और अब आप, आप चुनाव में यह कर अट्ठारह साल के वोटर को वोट भी ले सकते हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दीजिए सो मैं माफी चाहूंगी देश को समझना एक करोड़ का भारत है ये एक राजनीतिक दल या एक नेता से ना बना है ना चला है ना चलेगा ये देश 140 करोड़ के लोगों को देखना है कि क्या है आगे का रास्ता उनका यहीं तक रुकना है या इसके आगे हमारी हमारा पेट भी है जो भूखा है आज आज ही का आया है 74 फोर चौहत्तर प्रतिशत देश के लोगों को करोड़ों लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं है पैंतीस प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार है पांच साल से पहले ही मृत्यु में जा रहे हैं तो देश का भविष्य क्या है चिंताएं होनी चाहिए स्मृति ईरानी जी तो भुखमरी पर यह भी कह गई कि मैं सुबह निकली घर से एयरपोर्ट गई फंक्शन किया मैंने खाया नहीं मुझे फोन आया बोला आपने खाया नहीं तो मुझे मुझे भुखमरी के आंकड़ों में गिन लेता है हंगर इंडेक्स ये देश की महिला बाल विकास मंत्री सर्वोच्च में बैठी हुई कहती है कि हंगर इंडेक्स के आंकड़े यूं आते हैं कि आपसे पूछा खाया नहीं तो आप भुखमरी हो गई है ना सो so गंभीरता कितनी आप देख रहे हैं आपने कहा कि मंदिर से आगे सोचना होगा जाहिर तौर पर यह सोचना वोटर को होगा कांग्रेस पार्टी के सोचने से तो नतीजे नहीं बदलेंगे अकेले से नहीं होगा जी तो अभी आपने एक और बात कही थी थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ चुनाव में कोट अनकोट झूठ बोला महादेव ऐप को लेके और बाकी सब चीज़ों को लेके और उनके झूठ बोलने से परिणाम बदल गया बीजेपी जीत गई तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है चोर है चौकीदार अपने पूंजीपति मित्रों को पैसे बांट रहा है कर्ज माफ कर रहा है तो वो तो वोटर नहीं सुन रहा है ना परिणाम कम से कम ये कह रहे हैं यानी पब्लिक अप्रोच में नरेंद्र मोदी की पब्लिक अप्रोच वो भले ही कुछ भी कह रहे हैं वो परिणाम बदल दे रही है राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर कैसे मुद्दों पर जाएंगे मैं आपकी बात से कतई भी सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी जी की कहे का असर नहीं है 11 करोड़ लोगों ने इन पांच राज्यों में वोट किया 11 करोड़ लोगों ने उस 11 करोड़ में से चार करोड़ अस्सी लाख के करीब भाजपा और भाजपा से दस लाख अधिक चार करोड़ नब्बे लाख लोगों ने कांग्रेस और राहुल गांधी की बात पर मोहर लगाई है तो अगर आप इस तरह से देख रहे हैं कौन किसके साथ है सीटों में मत जाइए लेकिन अगर आप लोगों में देख रहे हैं तो दस लाख अधिक लोगों ने मोदी भाजपा ने कांग्रेस को चुना है और यही अब परिणाम आपको दिखेंगे 24 में कि आप कब तक झूठ बोलेंगे सत्ता संवैधानिक संस्थाओं के और पूंजीपति मित्रों के धन के बल पर आप मुद्दों को हाश्य पर नहीं रख सकते हम उन हाश्य वाले मुद्दों को केंद्र पर लाकर ये चुनाव कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और अगर ऐसा होता है तो भाजपा ऊंधे मुंह आकर गिरेगी इन चुनावों में अभी हालिया चुनावों पर नजर डालें उसमें कांग्रेस ने जो जीते या हालिया चुनाव में बीजेपी ने जो जीते आज की तारीख में जब हम खड़े हैं जब अलका लांबा यहाँ मंच पर बैठी हैं उन्हें 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या नजर आती है देखिए सबसे बड़ी ताकत ये है कि आज हमारे पास एक ऐसा अध्यक्ष है जिनका अपना इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में जो अनुभव है वो 50 साल का भी एक किताब भी उन्होंने जारी की हमारे पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो ब्लॉक से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है जो आज सबको एक रखने पर एक सूत्र में बांध कर इंडिया समूह के अट्ठाइस दल हैं या जिस तरह है वो हम कामयाब हो रहे हैं उनके नेतृत्व में श्री राहुल गांधी जी गए उनका कैंपेन आपने पूरा देखा मुद्दों पर गारंटियों पर जो हमारी सरकारें बनी विश्वास है वो तो मजबूत संगठन के साथ कहीं मजबूत शीर्ष नेतृत्व के साथ जिसने अपने आप को पूरा झोंक दिया है अभी हर हिसाब से मुझे लगता है कि ये हमारी जो है एक प्लस रहेगा और आ, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर अलका जी अभी आपने एक बात कही आप व्यंग्या्यात्मक लहजे में थी जब आप मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि कमलनाथ और शिवराज को बधाई दी और राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा को बधाई दी मुझे याद है मैं बी में पढ़ा करता था 2004 से 2009 का दौर था कांग्रेस में आप आप भी थी और कांग्रेस युवाओं की पार्टी के तौर पर एक बड़ी बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी यूथ फोर्स उसके तरफ दिखता था यूनिवर्सिटीज़ में राहुल गांधी अगर बनारस पहुंचते थे आप लोग अगर बनारस और पूर्वांचल में आते थे तो एक युवाओं की भीड़ आप लोगों के साथ रहती थी लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं तो आपकी जो लीडरशिप है जैसे प्रदेश में कमलनाथ हैं दिग्विजय सिंह हैं ज्योतिरादित्य ये कह के निकल गए मध्य प्रदेश से कि नेतृत्व तो जो है परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है राजस्थान में पाँच साल सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई देखने को मिली कांग्रेस कहाँ खुद में लीडरशिप युवाओं को देने में तैयार होती नजर आ रही है वही बुजुर्ग नेता हैं लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आप इसलिए हार गए कि लोग शिवराज को हराना चाहते थे लेकिन कमलनाथ को जिताना नहीं चाहते थे तो इस तरह के सवाल से कांग्रेस जूझती भी है या नहीं कांग्रेस के लोग इस सवालों को एड्रेस करते भी है नहीं होता क्या है देखिए आपने युवाओं की बात की मैं पहले बात कह चुकी हूँ दोहरा देती हूँ उदयपुर नवसंकल्प में यह तय हुआ कि संगठन टॉप टू बॉटम तक और चुनाव में टिकटों में 50 प्रतिशत वो लोग होंगे जिनकी उम्र 50 से कम है और ये होते तो हुए दिख भी रहा है तभी मेरे जैसे लोग उसमें हैं दूसरी युवाओं की बात करेंगे तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री अभिशपत ली क्या उम्र है उनकी आपके हिमाचल के सुखू युवा कांग्रेस से आए आज मुख्यमंत्री क्या उम्र है उनकी युवाओं में अगर आप कहेंगे सिंधिया की आप बात कर रहे हैं सत्ता का लालच मुख्यमंत्री दीजिए वरना मैं जा रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं दी सरकार गिराई और चल दिए आज वो मुख्यमंत्री नहीं है सचिन जी की जहां तक बात है बिल्कुल भविष्य है वर्किंग कमेटी में उनको सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है और इन चुनावों में आप देखेंगे कि हमारे सबसे ज्यादा युवा नए चेहरों को आप चुनाव में चौबीस में देखेंगे आगे की लड़ाई के लिए अलका जी आप काफ़ी वक्त आम आदमी पार्टी के साथ भी रही और मनीष सिसोदिया के साथ सतेंद्र जैन के साथ सबके साथ मिलकर आपने काम किया है लेकिन इस साल जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो आपने एक ट्वीट किया था मैं आपकी बात को कोट अनकोट कर रही हूँ आपने कहा था कि केजरीवाल काफ़ी लंबे वक्त से सिसोदिया को निपटाने का प्लान बना रहे थे लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए उनको निपटाएंगे ये सोचा नहीं था तो क्या आपको इनसाइड कोई ख़बर मिल गई कि वो उनको निपटाने का प्लान देखिए मेरा जो अनुभव विधायक थी पांच साल पार्टी की प्रवक्ता पार्टी में बहुत अंदर तक मेरी बातचीत होती रहती थी सो so, उस समय लगा कि कुमार विश्वास गए प्रशांत भूषण गए योगेंद्र यादव को निपटाया गया आशुतोष आशीष खेतान शशि भूषण राजमोहन गांधी गांधी जी के पोते आदर्श शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते द्वारका से एमएलए थे खत्म कर दिए गए लगा अब किसकी बारी है

लेकिन ऐसे आएगा वो नंबर ये मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आज एक साल लगभग होने वाला है और मनीष सिसोदिया जी लिकर आ, के स्कैम में जो है वो आरोपी बताकर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल नहीं दे रही है सत्येंद्र जैन दूसरा बड़ा नाम संजय सिंह तीन तीन बड़े नाम तीनों आज जेल में हैं ये छोटी बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है तो यही चीजें हो रही थी उस समय जो मैं बात कर रही हूँ मुझे दुख है आज इस बात का कि ये तीन लोग जो हैं वो अंदर हैं और मुझे लगता है कि आई डोंट नो अब कानून अपना काम करेगा सच्चाई क्या है तो अलका जी क्या आपको लगता है कि वाकई में शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है और अगर हुआ है तो फिर इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल पर अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाती हैं तो इंडिया अलायंस में उनको रखा भी हुआ है आपने और हाल ही में आप ही के आपके सांसद के यहाँ से इनकम टैक्स ने तीन से ज़्यादा करोड़ रुपये की बरामदगी भी की है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर पी मोदी अब जीरो टॉलरेंस की बात भी करते हैं तो क्या दो में भ्रष्टाचार का मुद्दा उसको आप कैसे टैकल करने वाले हैं? देखिए आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया है मैं फिर कह रही हेमंत बिस्वा छगन नारायण राणे अजीत पवार और कितने नाम हैं ये भ्रष्ट नहीं थे आप ही तो भ्रष्ट बता रहे थे और सब भाजपा में ले लेते हैं और आप पार्लियामेंट में जब सवाल पूछा ईडी ने कितने मामले पिछले दस साल में दर्ज किए हैं और विपक्षियों के खिलाफ कितने हैं तो तो 95% ईडी के 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 मामले मात्र दर्जी विरोधियों के खिलाफ हुए सत्ता पक्ष के तो एक आपका कौन है वो नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश लड़ने जाते हैं उनके बेटे का वीडियो वायरल होता है कि गांजे की खेती में सौ 100 करोड़ हजार करोड़ का लेन देन हो रहा है वीडियो वायरल है ईडी मामला नहीं दर्ज करती पूछती नहीं है आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चेक से कितना आया बॉन्ड से कितना आया वो तो एडीआर का सर्वे बता रहा है पचपन हजार करोड़ पचपन सौ करोड़ या वो उतना बीजेपी को आया बाकी कैश भी तो आया है वो कैश रखा कहाँ है भाजपा के कार्यालयों पे और भाजपा के मंत्रियों के घर कभी ईडी गई देखने के लिए मुझे लगता है इससे दस गुना पैसा वहां पड़ा हुआ है जब दो का नोट गायब हो गया आरबीआई को परेशानी हो गई कि दो का नोट बैंकों में नहीं आरबीआई के पास नहीं है वो कहीं है और वो जब बुलाती है तो सारा फिर वापिस आ जाता है उसके पास ना, so, बात अब मैं भ्रष्टाचार की परिवार ने एक, में किया या यहां पर एक ने अपराध किया तो पार्टी में करी नेता ने अगर कुछ भी किया है कानून अपना काम करके दोषी करार होता है तो दे दीजिए उसे जो भी सजा देनी है लेकिन पूरा परिवार को आप सूली पर नहीं चढ़ाएंगे ना तो आम आदमी एक परिवार है कांग्रेस समाजवादी टीएमसी एक परिवार है उसके अगर नेता ने कुछ किया है तो स्वाभाविक है उसे कानून का सामना करना पड़ेगा पर दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी को भी ईडी पचपन घंटे बुलाती है और कुछ साबित नहीं कर पा रही नेशनल हेराल्ड का उन्नीस की अखबार का मामला चलता ही जा रहा है सोनिया गांधी जी को बुला लिया इनको बुला लिया दस साल से बुला रहे हैं पचपन घंटे करना है आपका समय बर्बाद करना है में पैसा ना बचे आपके पास पैसा नहीं आपका समय बर्बाद किया जा रहा है आपकी ताकत कमजोर तो ये ये क्या है ये बराबरी की लड़ाई नहीं है आप देख रहे हैं तो ये देश को दे कुछ महीनों पहले शरद पवार ने कहा था अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था

एकजुट होकर एक इंडिया का उम्मीदवार देकर हमें मैदान में उतरना है और जीतना है इस लड़ाई को देश के लिए अलका जी अभी आप कह रही थी कि आम आदमी पार्टी में आप गई सोच के साथ और वो बिल्कुल उल्टा दिखा वहाँ पे धीरे धीरे कई सारे आपने घटनाक्रम बताए वहाँ पे और फिर आप कांग्रेस में लौट जाती हैं अभी गठबंधन के तौर पे वो पार्टी वापस कांग्रेस से जुड़ गई है इंडिया गठबंधन में तो अब आप क्या मतलब उस चीजों को स्वीकार कर चुकी हैं उस पार्टी को मैंने इन तीनों को स्वीकार नहीं किया जो भ्रष्टाचार में जेल में कानून अपना काम कर रहा है वो दोषी होंगे वो निर्दोष होंगे वो कानून काम करेगा पर मैं ये कह रही हूँ इस पार्टी में या किसी पार्टी में लाखों कार्यकर्ता होता है पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे चुनाव लड़ता है जिताता है और संघर्ष करता है तो वो वो कार्यकर्ता पार्टी का जो समर्पित है जिसने संघर्ष किया है वो भ्रष्ट नहीं है और इसलिए मैं पूरी पार्टी को कभी भ्रष्ट किसी को भी नहीं कहती हूँ नेता हर पार्टी में भ्रष्ट भी है ईमानदार भी है लेकिन रास्ता जो है वो आगे बढ़ने का है हमें देखना है कि जो सही है उन्हें लीजिए और आगे बढ़ते रहिए इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है जीतती है और सरकार में आती है तो आप भी रहेंगी वो लोग भी रहेंगे तो काम करना कितना कितना मुश्किल और आसान होगा कोई मुश्किल काम नहीं होगा कम से कम जो आज दिल्ली में हो रहा है है ना जिस तरह से लड़ाई हो रही है और दिल्ली सफर कर रही है दिल्ली की हवाएं जहरीली पानी यमुना का जहरीला क्राइम कैपिटल है मुझे लग रहा है कि हम लाइक माइंडेड लोग हैं और सबको जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी प्राथमिकता है कि उनके जो क्षेत्रीय अधिकार हैं तमिलनाडु चाहता है मेरी भाषा एक है मेरा खान पान एक है मेरा पहनावा एक है मेरे रिवाज रीति त्यौहार अलग है उसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उस आइडेंटिटी को जिससे भाजपा से उसको खतरा है हम उसे प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं है अब अलका जी मेरा सवाल ये है कि पीरियड्स लीव को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब रहे हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अब की बात संसद में भी ये सवाल रहा या ये विषय रहा तो स्मृति रानी जी ने कहा कि ये पीरियड्स तो कोई बाधा वाला कोई ऐसा मसला है नहीं तो इसमें छुट्टी क्यों तो आपका बतौर महिला क्या सोचना है बतौर विपक्षी क्या सोचना है बतौर नेता क्या सोचना है देखिए सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि देश के पास ऐसे महिला बाल विकास मंत्री है जो इस तरह के बयान महिला मंत्री होने के बावजूद देती हैं मैं उनका ये बयान भूखमरी के ऊपर आपने देखा कि मैंने खाया नहीं तो हंडर इंग, हंगर इंग, इंडेक्स जो है वो झूठा हो गया है अब वो एक बार ये भी कह रही थी कि जब हुआ कि लड़कियों को बेटियों को जब पीरियड्स होते हैं उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए इसके सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा अच्छा अगर आपको पीरियड है तो क्या आप अपने मित्र के घर चली जाएंगी इस तरीके से तो मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना क्या चाहती हैं अब जो आप बात कह रही हैं मैं माँ हूं बेटी नहीं है पर बेटे की माँ हूं लेकिन माँ हूं और महिला हूं मुझे मालूम है कि जब वो पांच दिन होते हैं वो पांच दिन में कितना दर्द होता है वो दर्द बेटियों जानती हैं कि वो क्या कोई गोली खा रही है कोई सारा दिन लेटी रहती है और उसमें जब ब्लीडिंग होती है कहीं को इतनी एक्सेस ब्लीडिंग बिल, होती है तेरह साल की उम्र की बच्चियों से हम शुरू करते हैं इतनी एक्सेस ब्लीडिंग होती है और अब गाँव की तरफ चलिए आप यहाँ तो आप बहुत आधुनिक कप आ चुके हैं अच्छे सैनिटरी नैपकिन आ चुके हैं है, लेकिन गाँव की बेटियाँ आज भी कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और मेरी उनसे बात भी हुई कि जब वो स्कूल जाती हैं काम पर तो वो जो कपड़ा यूज इस्तेमाल करती हैं डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए है ना क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली आधुनिक हो गया बहुत

आ, शायद वो उनके रिटायरमेंट को लेकर था तो एक तो रिटायर उनके रिटायरमेंट का कोई प्लान कोई फैमिली में डिस्कशन पार्टी में कोई डिस्कशन ऐसा कुछ चल रहा है क्या और दूसरी बात ये कि क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी तो लड़ेंगे ही क्या मैडम सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी लड़ेंगी ऐसी कोई चर्चा है आप शेयर करने की स्थिति में हैं देखिए सोनिया गांधी जी ने अभी 9 दिसंबर को 78 इयर्स पूरे किए हैं अठहत्तर साल की हैं स्वास्थ्य की बहुत सी इशू आते हैं एज के साथ जो उनके साथ भी हैं प्रियंका राहुल गांधी जी के लिए वो कांग्रेस की एक नेता ही नहीं उनकी माँ भी हैं इसलिए एक बेटा बेटी के तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी को लगातार उनके स्वास्थ्य की चिंता होती रहती है अब इसमें रिटायरमेंट की जब बात हुई तो मुझे मालूम है रायपुर अधिवेशन पे अखबारों में यह चला कि सोनिया गांधी जी ने खरगे जी अध्यक्ष हो गए और राहुल जी के जिम्मेदारी छोड़कर रिटायरमेंट की घोषणा की मुझे मौका मिला मिसेस गांधी से मैंने बात की मैडम आज सारी अखबारों में यह है कि आप रिटायर हो रही हैं सक्रिय है राजनीति से आ, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप रिटायर नहीं हो सकती हैं तो उन्होंने कहा किसने कहा मैं रिटायर हो रही हूँ मैं कहा आपने नहीं कहा जैसे नहीं मैंने कहीं नहीं कहा मैंने कहा अखबारों में है तो मैंने कहा मेरा भाषण होने जा रहा है मुझे दो मिनट बोलने को मिले हैं और मैं इस बात का ऐलान करने वाली हूँ कि आपने ऐसा नहीं कहा और आप रिटायर नहीं हो रही आपका आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन था है बना रहेगा हाँ बिल्कुल कहो और वो मंच पर बैठी थी तो मैंने जब इस बात का ऐलान किया हम सब में एक ताकत आई और हमने उन्हें देखा तेलंगाना के चुनाव में वो पूरी तरह सक्रिय थी और उसके बाद जब शपथ हुई तब भी वो गई और लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया लोगों ने उनका धन्यवाद किया कि तेलंगाना का निर्माण जो है गठन आपकी वजह से हुआ तो वो उनका आशीर्वाद क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर उन्होंने बहुत सरकारें देखी उतार चढ़ाव देखे बीस साल अध्यक्ष रही कांग्रेस की बहुत अनुभव है उनके पास और मुझे लगता है वो अनुभव वो आशीर्वाद वो मार्गदर्शन बेहद कांग्रेस के लिए 24 के लिए भी जरूरी है तो मुझे बिल्कुल है वो रिटायर नहीं हो रही हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर हम चिंतित जरूर है इसलिए बहुत ज्यादा उन उनपे बोझ हम नहीं डालते हैं आ, लेकिन आ, बिल्कुल वो हर मीटिंग में आप देखेंगे वो आ रही है संसद भवन भी जा आज भी हमने पार्लियामेंट में देखा जो चौदह सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन रात रात वो खड़ी थी बिल्कुल जब टीएमसी की मऊआ मोहित्रा की सदस्यता ली वो उसके पीछे ताकत बनकर खड़ी मेरा जो अगला सवाल है जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि 2024 में वो चुनाव लड़ रही हैं लड़ रही हैं रायबरेली से लड़ रही हैं अगर रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं तो फिर कौन सी सीट है देखिए ये ये बिल्कुल निजी निजी फैसला होगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का रायबरेली वो नहीं भी जाएंगी नामांकन करती हैं हर बार और वो जीतती हैं इस बार भी नामांकन ही करेंगी विश्वास है जो उन्होंने किया रायबरेली की जनता के लिए वो जीतेंगी पर फिर उनका बहुत निजी राय होगा कि वो वो क्या चाहती है। वो चाहती और और जो उसका उसका सम्मान होगा। उसका सम्मान होगा, होगा। अंत में जनता के कुछ सवाल है ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल आए लोगों ने पूछा की ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है क्या कोई देशव्यापी आंदोलन करेगी देखिए हमारे पास सौ दिन रहेंगे। इन सौ दिनों में हम ईवीएम को लेकर जिसमें मुझे लगता है कि कोई हल तुरंत सामने आने वाला नहीं है क्योंकि चुनाव आयुक्त को जिसको करना है वो कंप्रोमाइज किस तरीके से हो रहे हैं उनकी नियुक्तियां कैसे हो रही हैं उम्मीद नहीं कर रहे हैं और चुनाव आयोग को वीवीपैट से हम गिनती करने को कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं हैकर हरी प्रसाद ने चुनौती दी है लोकतंत्र में चुनाव आयुक्त को मैं सुझाव एक देकर बस हम आगे बढ़ेंगे कोई आंदोलन मुझे नहीं लगता हम करेंगे सौ दिन का कम समय देश के बहुत मुद्दे हैं हैकर्स को बिल्कुल एक मौका मिलना चाहिए देश और विदेश के सब हैकर्स को पार्लियामेंट में बुलाकर मीडिया के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नेता विपक्ष चार लोगों को बैठ के लाइव करके हैकर्स को एक मौका देना चाहिए करिए हैक मशीन अगर वो नहीं होती तो ये विश्वास बना रहेगा चौबीस में जाना चाहिए और अगर हैक हो गई तो बैलेट पे आना चाहिए लेकिन ये होगा नहीं ये होगा नहीं और यही एक रास्ता है देश के लोकतंत्र में उठ रहे इस शक को एक एक वोट की एक कीमत को पर विश्वास बना रहे

आज एक ही नेता दिख रहा है जिसका नाम है श्री राहुल गांधी ईमानदार हैं स्वच्छ छवि है उनके पास विजन है देश के युवाओं को देश को लेकर और मुझे लगता है भविष्य के बिल्कुल वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे आज मेरा विश्वास है एक सवाल ये कि कांग्रेस सरकार सिर्फ मुस्लिम के का ही वोट बैंक क्यों बन जाती है ये सवाल है आपको क्या लगता है तेलंगाना में हिमाचल में कर्नाटक में सिर्फ मुस्लिम वोट ने हमें हमें हमारी सरकार बनाई सिर्फ मुस्लिमों ने वोट किया ये बिल्कुल झूठा एक प्रोपोगेंडा है जो भाजपा चलाती है हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं उसमें मुस्लिम है सिख है ईसाई है बौद्ध है जैन है पारसी है संविधान में उसके हक है उसके अधिकारों का हम आनन नहीं होने देंगे चाहे कोई भी वो अल्पसंख्यक है मुस्लिम शब्द जो है वो भाजपा को उनसे क्या नफरत है ये भाजपा जाने की सारे सांसद उन्होंने जो मुस्लिम समाज से आए थे उन्हें हटा दिया किसी को राज्यसभा लोकसभा एक भी विधायक एक भी टिकट उनको नहीं दे रहे हैं सबकी छुट्टी कर दी है ये नफरत ये जहर संघ में मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है उसके प्रति है लेकिन कांग्रेस संविधान में मिले हक अधिकार के लिए चाहे वो किसके भी उसको बचाने की लड़ाई है ये हमारी अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज तक के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी। अंत में ये जरूर बता के जाइए कैसा आप, आपका एक्सपीरियंस रहा पूरा आ, मैं मंच तक न्यूज तक का आ, धन्यवाद करती हूँ मुझे लग रहा था हम लोग कुछ मिनट बात करेंगे लेकिन लगभग डेढ़ घंटा आप लोगों से अभी बात रह गई थी वैसे थोड़ी और आप चाहें तो आप कर सकती है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो सवाल हैं ये देश के सवाल हैं मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैं एक चैनल के बंद कमरे में आपके मीडिया के लोगों से बात कर रही हूँ मुझे लग रहा है यही देश है यही देश है और ये देश के सवाल हैं हम सबको आने वाला चुनाव प्रभावित करता है एक एक वोट कीमत है सो मुझे लगता है कि आ देश कंसर्न है चाहे उसका भूमिका अलग है आपकी अलग रोल है मेरा अलग भूमिका है पर हम एक ही देश के वासी हैं और सबकी एक ही सोच है कि देश आगे तरक्की उन्नति करे और एक रहे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद आपका